बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन वेज सैंडविचेस, जिनको हम कोल्ड सैंडविचेस भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, पिकनिक पार्टीज़ के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, तो चलिए फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन, जो कि है 250 ग्राम्स। मैंने इसको पहले ही बॉयल कर लिया था, नमक ऐड करके फिर इसको श्रेड कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई हाफ कप, गाजर ऐड करेंगे हाफ कप, प्याज ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ हाफ कप, बंद गोभी ऐड करेंगे, एक खीरा ले लिया था मीडियम साइज़ का, वो भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून या हसबे जायका, और काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं बारीक चॉप करके, ये ऐड कर देंगे, और 2 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, और अब लास्ट में जाएगी मेयोनेज़। मेयोनेज़ यहाँ पे आपने इस तरह ऐड करनी है कि आपका जो मिक्सचर है वो ज़्यादा रनी भी ना हो और ज़्यादा ड्राई भी ना हो। यहाँ पे पहले मैंने हाफ़ कप ऐड की थी, वो मुझे कम लग रही थी, फिर मैंने हाफ़ कप इसमें और ऐड किया है, तो टोटल ये 1 कप मेयोनेज़ इसमें गई है। आप भी देख लीजिएगा, आपको इस तरीके का मिक्सचर चाहिए कि जो ज़्यादा ना रनी हो और ना ही ज़्यादा ड्राई हो, तो आप ये देखें इस तरीके से ये आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है। और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना फेवरेट वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने जितने भी ऐड किए हैं मेरे फेवरेट हैं, बाकी आप इसमें अपनी चॉइस के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर जो है ये तैयार है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं कोई तकरीबन 10 से 12। आपने क्या करना है, इनके एजेस जो हैं वो आपने छुरी की मदद से काट के रिमूव कर देने हैं। जो बच्चे हैं वो एजेस के साथ सैंडविच को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये रिमूव कर रही हूँ, लेकिन अगर बड़े खा रहे हैं और वो एजेस खा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप एजेस के साथ भी सैंडविचेस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एजेस रिमूव कर दिए हैं, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना के रख लूँगी, ये वेस्ट नहीं होंगे। इस तरीके से आपने इनके एजेस रिमूव कर देने हैं, और सिंपल आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, और इन पर हम अपना चिकन वेज का मिक्सचर जो है वो अप्लाई करेंगे। आप इन पीसेस पर जो है कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं, कोई केचप, कोई सॉस अपनी मर्ज़ी से, या कोई बटर आप इस पर अप्लाई करके भी ये मिक्सचर जो है आप लगा सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस लेकर ये चिकन वेज का मिक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसके ऊपर अब सेकेंड्स ब्रेड के स्लाइसेस हम रख देंगे, और सिंपल हम इसको सैंडविच शेप में काट लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे ये बेहतरीन मज़ेदार क्विक एंड इजी जो चिकन सैंडविचेस हैं ये तैयार हैं। तो ये सैंडविचेस आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चों के और बड़ों के ये फेवरेट सैंडविचेस हैं, बहुत अमेजिंग टेस्ट है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।